हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड. इहदे विच बेटा देखो, हुण मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे आपां ने पहला ही मीनिंग पढ़िया, फीचर्स पढ़े है, ठीक है, दे टूल्स पढ़े है. तो इसी तरह ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लिए. जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है, सेम लाइक दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम भी उन्ना ही इम्पॉर्टेंट है. ये भी अपन बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. प्रेजेंट अज के टाइम कॉम्पीटिशन बहुत ज्यादा हैगा है, तो जिदे करके कॉम्पलैक्स बिजनेस एनवायरमेंट बने है. उस एनवायरमेंट के मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स गाइड करते हैं टू द मैनेजमेंट एट एवरी स्टैप. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टैप के मैनेजमेंट अकाउंटेंट जोड़े है वो हैल्प करते हैं कि असी अपने बिजनेस को किस तरह अगे लेके जा सकते हैं. द इनक्रीज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशन हैज इनक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो. उन्हें कह रहे हैं कि जिमें जिमें अपना स्केल वधदा जाऊगा, अगर आप बिजनेस का स्केल अपना वधदा जाता है, उवें उवें ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जिहड़ी इंपॉर्टेंस है उन्नी ज़्यादा ही इनक्रीज होती जाती है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिहड़े आप हुण करांगे. नंबर वन इज इनक्रीज एफिशिएंसी, जेडे बहुत सिंपल पॉइंट ने. इनक्रीज एफिशिएंसी बड़े आराम नाल तुहानू समझ आएगा. इनक्रीज एफिशिएंसी हुण की है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे नाल साडी एफिशिएंसी इनक्रीज होंदी है बिजनेस ऑपरेशन की. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे विच हर डिपार्टमेंट दे अलग टारगेट्स, उन्हां दी अलग स्टैंडर्ड कॉस्ट, अलग तो ही प्लैन्स एंड बजट सारे तैयार किए जाते हैं, जिन्हां नू बेस बना के ही अगे सारे काम या सारे डिसीजन लिते जाते हैं. इस करके हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज होंदी है. नंबर टू, प्रॉपर प्लानिंग. देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे विच अगर असी मैनेजमेंट अकाउंटिंग नू फॉलो करते हैं तो मैनेजमेंट एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान्स असी तैयार करते हैं, तो उहदे नाल सारा काम प्रॉपर प्लानिंग नाल किया जाता है. किसी भी काम नू विदाउट प्लानिंग नहीं किया जाता. अगर असी सही प्लानिंग दे नाल काम करांगे तो उहदे नाल एफिशिएंसी अपने आप ही इंक्रीज होएगी. ठीक है, तो ये जिहड़े हैगे आ, मैनेजमेंट इज एबल टू प्लान द वेरियस ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन आपां नूं प्रोवाइड हुई है उहदे बेस ते असी प्री प्लान कर लैंदे हां कि असी किस तरह अपने काम नूं करना है. ठीक है, उहदे लई बजट तैयार किए जाते हैं, उहदे लई स्टैंडर्ड कॉस्ट तैयार की जाती है. ठीक है, ये सारिया चीज़ों नूं बेस मान के अगले काम किए जाते हैं, जिहदे नाल पूरा काम प्रॉपर प्लानिंग दे नाल हुंदा है. नंबर थ्री, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटा जी किवें हो सकती है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उहदे हेल्प दे नाल असीं स्टैंडर्ड कॉस्ट अपनी फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड्स बना लैंदे हैं कि आपां नूं अपनी कॉस्ट इन्नी ही रहनी चाहिए है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे लई सही है. ठीक है, तो असीं उसे कॉस्ट नूं टारगेट मान के अपना काम शुरू करते हैं, तो असीं यह कोशिश करते हैं कि उत्थे तक असीं अपनी कॉस्ट नूं पूरा कर सकीए. ठीक है, मतलब अपनी कॉस्ट उन्नी ही रहनी चाहिए, उस तो बाहर नहीं रहनी चाहिए, जानी चाहिए. तो उहदे नाल अपनी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हो सकता है, क्योंकि उहदे नाल की पता चलता है कि अगर असी स्टैंडर्ड कॉस्ट के विच ही रहने हैं, अपना टारगेट अचीव कर लेने हैं, उन्नी कॉस्ट के विच असी अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो इट मीनस अपनी जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो सही है. हर डिपार्टमेंट वाइज अपनी परफॉर्मेंस नू मेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, मैक्सीमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी. नैचुरली अगर थोड़ी एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी, कॉस्ट डिक्रीज रहेगी, प्रॉपर प्लानिंग होगी, तो उहदे नाल मैनेज जो भी अकाउंटिंग है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उहदे प्रॉफिट भी मैक्सीमाइज होंगे. एंड नंबर फाइव इज इंप्रूव द सर्विसेज टू कस्टमर्स. हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट होंगे कि अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करिए, ताकि वो कस्टमर साढ़े नाल लंबे समय लिए जुड़े रहन. द कोस्ट कंट्रोल डिवाइसिज इंप्लॉयड इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनेबल द रिडक्शन ऑफ प्राइजिज. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाल कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है. कॉस्ट कंट्रोल होगी तो नैचुरली उहदे नाल की होगा, प्राइजिज घट होंगे तो उहदे नाल आपां जिहड़ा है अपना इंप्रैशन ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं, कस्टमर्स दे विच अच्छे गुडविल बना सकते हैं. ऑल द इंप्लॉयज इन द कंसर्न आर मेड कॉस्ट कॉन्शियस. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट
becomes good because the quality standards are predetermined. ठीक है, जदों असीं कस्टमर्स नूं गुड क्वालिटी गुड्स रीजनेबल प्राइसिस ते प्रोवाइड करावांगे तां उहदे नाल जिहड़ी है मार्केट पोजिशन अच्छी बनी रहेगी. ठीक है, इस तरीके दे नाल मैनेजमेंट ये भी आपां नूं हैल्प करदी है, इत्थे भी मैनेजमेंट दी इंपॉर्टेंस है. एंड द नैक्सट पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल. हुण नैचुरली अगर अपने कोल बेस हैगा है, अपने कोल स्टैंडर्ड कॉस्ट हैगी, अपने टारगेट्स हैगे है, उहदे नाल असीं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं चैक कर सकते हैं और मैनेजमेंट अपनी इफेक्टिव कंट्रोल दे विच हैल्प करता है. ठीक है बेटा, ये थोड़ा टॉपिक हैगा है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके बेटी, टेक केयर.